जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तिवतिया, सौर्य चक्र अवार्डी 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर। अभी 4-5 दिन पहले मॉस्को में एक अटैक हुआ था, शायद सभी को पता है। कितने लोग थे? 4। मुंबई में हमला हुआ, कितने लोग थे? 10। लेकिन लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, 10 थे कि 4 थे कि 8 थे। मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात बताने वाला हूं। आज तक किसी NIA या जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, शायद उस चीज को कभी पकड़ नहीं पाई। तो मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, एक चीज बताना चाहूंगा जो कि स्पेशल फोर्सेज में इस्तेमाल की जाती है, वो है बड्डी पेयर। अगर मैं कहूं कि वो दो बड्डी पेयर थे जिन्होंने मॉस्को में अटैक किया तो कितना सही है। दो बड्डी पेयर मतलब एक बड्डी पेयर में दो लोग होते हैं, एक मैन और एक दूसरा, यानी कि दोनों 1-1, और वो दोनों किसी भी सिटी के लिए, किसी भी पुलिस के लिए, किसी भी फोर्सेस के लिए इतने घातक होते कि आप पूछिए मत। बड्डी पेयर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। सेम अगर आप मुंबई में देखेंगे तो CST पर दो लोग थे, एक बड्डी पेयर था। नरीमन हाउस में एक बड्डी पेयर था, ट्राइडेंट होटल में एक बड्डी पेयर था, ताज होटल में अलग अलग करके आए थे, वो भी बड्डी में आए थे। जो कि अगर आप लियोपोल्ड कैफे का सीन देखेंगे तो एक बड्डी पेयर था। तो चीजें यहां पे बड्डी पेयर में सब कुछ मूवमेंट हो रहा है, ना कि सिंगल कोई मूवमेंट हो रहा है। तो बड्डी पेयर फोर्सेस में कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? वो इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस में। बड्डी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। बड्डी का मतलब होता है भैया वो व्यक्ति आपकी स्वयं की पत्नी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी वॉर जोन या फिर किसी भी ऑपरेशन में जाते हो तो आपको एक बड्डी पेयर के रूप में रखा जाता है कि भाई अगर इस व्यक्ति को कुछ होता है तो आप आपस में ही दोनों इस चीज को कोऑर्डिनेट करेंगे और चीज को ऑपरेट करेंगे। अगर सारे चीजें वहां पर एक व्यक्ति, जैसे पहला व्यक्ति है फिर दूसरा व्यक्ति सेम टाइम उसकी हेल्प के लिए खड़ा होता है, अगर पहले व्यक्ति को गोली लगती है तो दूसरा उस व्यक्ति उसके लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है, और बड्डी पेयर में ही पूरा का पूरा मूवमेंट होता है, सिंगल मूवमेंट नहीं होता। तो सिंगल मूवमेंट है नहीं, बड्डी पेयर में पूरा का पूरा मूवमेंट है। क्योंकि ये चीज मैंने झेली है, क्योंकि जो मेरा बड्डी था मिश्रा जी पंडित जी, वो छोड़कर भाग गए थे मुझे अकेले। तो बड्डी पेयर की वैल्यू ये है कि अगर उसका बड्डी कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, उस बड्डी को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे उसके लिए आपको जान भी देनी पड़े। तो बड्डी पेयर की वैल्यू यहां पर आती है कि बड्डी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ होता है। आप बड्डी में ही ट्रेनिंग करते हो, जितनी भी स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग होती है वो बड्डी पेयर में होती है, ना कि सिंगल में होती है। सेम जितने भी टेररिस्ट अब हमले हो रहे हैं, आप देखोगे जो मॉस्को में हुआ या मुंबई में हुआ, एक ही चीज इनके अंदर कॉमन है, वो है बड्डी पेयर। आज तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं आज तक इस चीज को पकड़ नहीं पाई। मैं बहुत बार बोला भैया ये चीज है, ये चीज है। दे वर नॉट ट्रेन्ड इन नॉर्मल कंडीशंस, दे वर ट्रेन्ड बाय द स्पेशल फोर्सेस। उनको SSG ने पक्का ट्रेनिंग दी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है, SSG ने ही उनको ट्रेनिंग दी है, नहीं तो नॉर्मल फोर्सेस बड्डी पेयर में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल या फिर इन्फेंट्री कभी भी बड्डी पेयर में मूव नहीं करती है, टीम या फिर इस तरह से मूव करती है। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस में टीम कॉम्बिनेशन दो व्यक्तियों के बराबर का बनाकर भेजा जाता है, जबकि वही दो व्यक्ति पूरे सिटी को मैं कहूं तहस नहस कर सकते हैं, सिर्फ एक बड्डी पेयर। जैसा आपने देखा ना हालत रशिया में, सेम हालत आपने मुंबई में देखी। तो बड्डी पेयर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मैंने उस चीज को फेस किया, उसको महसूस किया। मैं आपको बता पा रहा हूं कि बड्डी की वैल्यू क्या है। अगर हम दोनों एक साथ होते तो मैं कहता हूं वो ऑपरेशन सुबह अर्ली मॉर्निंग फटाफट खत्म हो चुका होता। और जब बड्डी आपका साथ छोड़कर चला जाता है, आपकी ट्रेनिंग पूरी बड्डी में होती है और आपका बड्डी उस समय पर निकल जाए और भाग जाए आपको छोड़कर, तो आपको कैसा महसूस होता है? पूरी की पूरी टोटल जब आप स्टार्ट करते हो, पहला कदम रखते हो स्पेशल फोर्सेस में, आपका बड्डी आपके साथ में खड़ा रहता है। चाहे आप गिर रहे हो तो आपको कंधे पर लेकर जाएगा, गोली लगी है तो आपका फर्स्ट एड करेगा। सब कुछ हमको सिखाया जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बड्डी होता है।
बड्डी से ज्यादा कुछ नहीं होता। और बड्डी जब इंसान का साथ छोड़कर भागता है ना, तो माँ कसम बड़ी दिल में ठेस पहुंचती है, लगता है कि तू ये आपके साथ धोखा हो गया। जितने भी आज टेररिस्ट ग्रुप हमले हो रहे हैं, सारे के सारे बड्डी पेयर में हो रहे हैं। सारी दुनिया को इसके लिए चेतावनी है कि भैया ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो बड्डी पेयर की वैल्यू ये है हमारे देश के अंदर या फिर किसी भी स्पेशल फोर्सेज में। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।